सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एचीवर एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएचयू, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीएससी का एग्जाम्स हुआ है दोस्तों, तो उन्हीं का हम लोग ये आंसर की लेकर आए हैं, ठीक है। बीएससी का आंसर की लेकर आए हैं जो कि बीएचयू यूनिवर्सिटी का मैथ का हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, ये आंसर की आप मिला लीजिए, बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। किस चीज का है, देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बीएचयू का है। किस चीज का? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, वो भी बीएससी का है, ठीक है, बीएससी का है दोस्तों। और मैथ का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग इस वीडियो में मैथ देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वेबसाइट का, वहां से भी आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग एग्जाम्स दिए होंगे तो इसी प्रकार का क्वेश्चंस ना आता है, ठीक है। जो भी क्यूरीज है आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य कॉमेंट करके बताइए। ये सब देखिए, ये सब पढ़ने का होता है कि कैसे कैसे आपको एग्जाम्स देना है, OMR में भरना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते हुए दोस्तों देखिए, ये 600 क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन रहता है टोटल क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो 150 होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कितने नंबर के? 600 नंबर के, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन एवरी ये सब्जेक्ट में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यानी कि फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आपको 50 क्वेश्चन और मैथ में आपको 50 क्वेश्चन। तो अभी हम लोग 50 क्वेश्चंस मैथ का देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देंगे। ओवरऑल हम लोग 150 क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि टाइम जो है ना, वो टाइम दिया कितना है, 2.5 घंटा ही समय देता है दोस्तों। यानी कि ठीक है, 150 क्वेश्चंस 2.5 घंटा में और 600 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, आज मैथ का पहले स्टार्ट करेंगे मैथ का, ठीक है। और देखिए यहां पर आप लोग देख रहे होंगे यहां क्या लिखा, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बीएससी में दोस्तों, ठीक है। और हिंदी में यदि बात की जाए तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित का खंडन किया जाता है 50-50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, सेक्शन थर्ड का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। सेक्शन थर्ड का हम लोग मैथ का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक वीडियो सेपरेट में उसका सिर्फ क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाएगा। हम लोग एनालाइज करते हुए सबका आंसर आराम तरीके से बताए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध होते हुए 101 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, ये बताइए आप सभी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये 100% आपका करेक्ट है, ठीक है, 100% आपका ये करेक्ट है, बिल्कुल भी कोई गलत एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप कंफर्म रहिए, 101 नंबर क्वेश्चंस का हो गया ना। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चंस, सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखिए आपके पास उपलब्ध है, 102 नंबर क्वेश्चंस उपलब्ध है। तो देखिए यहां क्या लिखा गया, गिवेन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो वो बताइए आप सभी, ठीक है। तो दूसरा का करेक्ट नंबर, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा वो आप लोग बताइए। देखिए यहां पर उपलब्ध है, तो 102 का ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ क्या लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया आप देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है, 2 आर ट्रू। यहां सब कुछ एनालाइज करके लिखा गया है दोस्तों, अब बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेता। 102 क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चंस पर आते हैं, 103 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हो आप, 103 नंबर, द फंक्शन टेन एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, ठीक है। तो इसका बताइए 103 नंबर का ऑप्शन का क्या हो जाएगा करेक्ट नंबर, वो आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए। मैं हम लोग ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका चूज करेक्ट द आंसर। तो 4, ये 103 का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा, ए और बी, क्या लिखा गया, ए और बी ओनली, ठीक है, 103 का। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, 104 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, ठीक है, आप आसानी से आप देख सकते हो। तो 104 का ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर इसका
इसका आंसर है। तो 104 का ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ई वाला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो गया दोस्तों, 105, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका हो जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। चलिए हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है, तो 106 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि सर ये सही है या गलत है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, एनालाइज किया गया बड़े बड़े योद्धा के द्वारा, ठीक है। तो 107 नंबर क्वेश्चंस का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 107 का बी नंबर करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, 108 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो गया, 108 का सही उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, पी इक्वल टू 5 एंड क्यू इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, 108 का ऑप्शन नंबर ए। 109 का देखिए, 109 नंबर क्वेश्चंस का देखिए क्या हो जाएगा आपका, दो नंबर आपका, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस सी, सॉरी, ठीक है, 109 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप देख लिए ना, बी नंबर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, लास्ट तक देखिए और चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से भी आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। 110 नंबर क्वेश्चंस का देखिए तीन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 110 का। 111 नंबर क्वेश्चंस देखिए हम लोग आ चुके हैं, 111 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में, ठीक है, 111 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बराबर 3.9 और बी बराबर -2.4 और ये ट्रायंगल जो होता है ना ये ठीक है क्षेत्रफल, तो ये इतना बराबर इतना हो जाएगा 125/6, ठीक है, जो भी हो दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चंस का देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसका बताइए, 112 का बताइए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 112 का 1 और 2 हो जाएगा 104, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 113वां नंबर क्वेश्चन आ गया आपके पास, 113 का क्या होगा, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स लॉग एक्स dy/dx प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 2 log x, तो 113 का क्या हो जाएगा सही नंबर, ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 113 का क्या होगा, ए नंबर, ठीक है, देख रहे हो ना। 114 का चलिए, 114 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो गया, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस y बराबर mx प्लस 4x is eliminating the additivity constant m is, 114 का बताइए ना, 114 का b होगा, सॉरी दोस्त, 114 का क्या हो जाएगा, दो नंबर क्वेश्चंस b नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 115 का बताइए, 115 का देखिए क्या हो जाएगा, 115 का हो जाएगा आपका b नंबर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट, 115 आप देख रहे हो ना अच्छे ढंग से। जो भी क्यूरीज है, जो भी क्वेश्चन सवाल पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य कमेंट करके बताइए। और देखिए 116 नंबर क्वेश्चंस का यदि बात की जाए, तो ए नंबर आपका करेक्ट है, 10 inverse 17/6, 116 का हो गया। 117 का देखिए, 117 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो गया, तो 117 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, पाई बाय 2, ठीक है, 117 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए, ये आपका भविष्य का सवाल है, ठीक है। 118 का ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 118 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट। 119 नंबर क्वेश्चंस का यदि बात किया जाए, तो 119 का देखिए, ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है, एक्स बाय 2 होल स्क्वायर बाय 8 प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, 119 का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। 120 नंबर क्वेश्चंस का यदि बात किया जाए, तो 120 नंबर करेक्ट का देखिए ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 17x माइनस 47y माइनस 24z प्लस 172 इक्वल टू 0, ठीक है, 120 का हो गया। 121 नंबर क्वेश्चंस का देखिए यदि बात किया जाए, तो 121 का आप देख रहे हो ना, 121 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, माइनस 24y 25, ठीक है, 121 का बी नंबर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, 122वां नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो गया है, तो 122 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 122 का रूट 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, 123 नंबर क्वेश्चन, 123 नंबर, 123 नंबर क्वेश्चन, 123वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हो गया, तो 123 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूट 2
अनुपात जो रेशियो 2:√3+1 का ये ब्रैकेट में है, ठीक है। चलिए 124 नंबर क्वेश्चंस, 124 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। तो 124 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर √a/b, ठीक है। चलिए 125वां नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। 125 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। 125 का देखिए ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसका बी भी हो सकता है, ठीक है। इसका कंफर्म नहीं है, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। बाद में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका लिंक या इसका कमेंट कर देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कि 125 का क्या हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। सॉरी 126 का देखिए, 126वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश और हिंदी का है। तो 126 का 4 हो जाएगा, 1/9, ठीक है। 126 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 127 नंबर क्वेश्चन का यदि बात किया जाए, 127 का क्या हो जाएगा करेक्ट, 127 का ए, ठीक है, 22,100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 128वां नंबर क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। 128 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 60 नंबर। और टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़ जाइए, वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। 128 का यह हो गया। 129 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, 129वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है ना। 129 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 130वां नंबर क्वेश्चंस, 130 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है, ठीक है। ये देख लीजिए आप सभी, लेट ए बराबर इस तरह से है, ठीक है। 130 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 का ऑप्शन थोड़ा नीचे में है, 130 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अचीवर एजुकेशन चैनल्स का नाम है, आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, पक्का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। 131वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, एस बराबर इतना, ठीक है। एस इज ए रिलेशन ओवर द सेट आर, ठीक है, ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड इट इज गिवन बाय ए बाय बी, ये ठीक है, ऑल इनवर्स, ठीक है, ये ऑल बिलोंग्स टू एस और ए बी ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 131 का जो भी है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा गया, 131 का ऑप्शन नंबर ये 4th नंबर आपका करेक्ट है, ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 132वां नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है ही। तो 132 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। 132 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है ना, ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसी चलते हम सिर्फ इसमें मैथ ही लाए हैं। 133वां नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 133 का आप लोग देखिए, ठीक है। 133 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक है। 133 का मैनी वन एंड इन टू, ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों, ये रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का मैथ का ये सब क्वेश्चंस पूछा गया। तो ये किस क्वेश्चंस हो गया, 134 का देखिए, 134 का नहीं देखिए ना, 134 का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, 134 का क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है, 134 का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 135वां नंबर क्वेश्चंस, जो भी क्यूरीज है आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शंस में फ्री है दोस्तों, ठीक है। 135 का बी हो जाएगा, 6th नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग 136वां नंबर क्वेश्चंस, 136 नंबर क्वेश्चंस का यदि बात किया जाए तो ए नंबर आपका करेक्ट है, ठीक है। 136 का ए नंबर आपका करेक्ट है। चलिए 137वां नंबर क्वेश्चंस, ये तो 36 का ना हुआ, 137 नंबर क्वेश्चंस देखिए, 137वां नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा गया। 137 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है, 137 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 138वां नंबर क्वेश्चंस विश्लेषण करेंगे दोस्तों, तो बहुत लेट हो जाएगा, उसके लिए एक अलग से अप्रोच वीडियो बनाया जाएगा। 138 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 5, 138 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 139वां नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा गया, ठीक है, आप देख रहे हो ना, 139 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 140वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ही, ठीक है। 140 का बताइए, ए नंबर आपका करेक्ट है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 6 एंड डी इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए 141वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ही, 141 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, आप देख रहे हो 141 का। गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स का ऑप्शन नंबर 141 का सॉरी बी नंबर आपका हो जाएगा, 141 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 142वां नंबर क्वेश्चंस, ये इसका है दोस्तों डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का चैप्टर से आए, तो 142 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4abc, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 143वां नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, 143 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है,
ये फोर्थ हो जाएगा आइडेंटी मैट्रिक्स, ठीक से 143 का ऑप्शन नंबर फोर आपका करेक्ट है, ठीक है। 144 का देखिए, 144 का ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, तीन ये और -25, ठीक है। और 145 का यदि बात किया जाए, चलिए 145 नंबर क्वेश्चंस, तो 145 का देखिए कोई ऑप्शन ही इसका करेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन से थोड़ा इसका ऑप्शंस गलत है दोस्तों। तो सभी का आंसर मिल जाएगा 145 का जीरो, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 145 का जीरो, ठीक है। 145 का क्या हो जाएगा, जीरो इसका करेक्ट, तो जीरो कोई ऑप्शंस में है ही नहीं ना, एक्स वाई जेड है, वन बाई एक्स वाई जेड है, फोर एक्स वाई जेड है, और फोर इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। तो 145 का आप छोड़ ही दीजिए, जीरो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 146 का ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, 146 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, थ्री हो जाएगा, ठीक है। 146 का ऑप्शन नंबर थ्री आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 147वां नंबर क्वेश्चंस क्या लिखा गया है देख लीजिए आप सभी। 147 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है, ये बोथ वन एंड टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 148वां नंबर क्वेश्चंस, 148 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा आप देख लीजिए। 148 का ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट है, ठीक है, 148 का फोर्थ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 149 नंबर, 149 नंबर का करेक्ट क्या हो जाएगा, 149 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सेवन और वन, ठीक है, सात और एक इसका ऑप्शन नंबर। 150 क्वेश्चंस और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ का बहुत बात किया जाए तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस का सेट रहता है जो कि मैंने आप लोग को बताया है पहले से ही। 150 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए आपका नहीं होगा, ये टिक आपका गलत है, ये आपका सही है, ठीक है। 150 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, आप बिल्कुल सही जवाब है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी क्यूरीज है इसका पीडीएफ लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ये फिजिक्स से और केमिस्ट्री से, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, जो भी पल पल का अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल सटीक और सही जवाब के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी का आंसर की हम लोग लाएंगे और एक से एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है, आंसर नहीं।